बस ना अब आइए तो वो हरी मिर्च के साथ ना। ये हमने कढ़ाई ले ली है और ये इस कढ़ाई के अंदर हमने आधा कप के करीब घी डाल दिए। अच्छा, ये अब हमने ना इसके अंदर 3 किलो गोश्त जो हमने खरीदा था वो हम डाल देंगे इसके अंदर, और इस तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि गोश्त नीचे ना लगे। शामिल करेंगे 1 कप लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, और फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक और इसको थोड़ा देर के लिए हम ढक देंगे ताकि गोश्त का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। जैसे ही गोश्त का पानी खुश्क होगा तो गोश्त का पानी खुश्क होने के बाद हम 6 से 7 इसके अंदर टमाटर डाल देंगे जिनका छिलका हमने उतारा हुआ होगा। फिर आप तकरीबन इसको ढक दें और पकने दें तब तक गोश्त जो है वो नरम ना पड़ जाए, लेकिन इसमें तकरीबन कोई 2 से 3 घंटे लग गए थे हमें। और इस सारे प्रोसेस के बाद आप इसको गार्निश करें हरी मिर्चों से और जूलियन अदरक से और फिर इंजॉय करें। खानी रात में खाएंगे बस ना अब आइए तो वो हरी मिर्च के साथ लाऊंगा मैं, खा के दिखा दूंगा आपको, मान जाऊं।